अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मैलर्टोपल्ली पुलिस ने एक शातिर धोखा देने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक के मन्नू यादव अलियास कुमार 30 साल, पेशे से प्लम्बर लेकिन दिमाग बहुत तेज। इसके कब्जे से 3,72,000 रुपए की रकम और सामान को जब्त किया। पुलिस के मुताबिक पी विष्णु नामी एक शख्स ने पुलिस स्टेशन में कम्प्लेंट किया कि उसके अकाउंट में से रुपये गायब हो गए। उसके बाद पुलिस तहकीकात करी, पूछताछ में यह पता चला कि पी विष्णु 25 तारीख को आंध्रा एटीएम से रुपये निकालने के लिए गया था और कोई वजह से रुपये नहीं निकल रहे थे और वहीं पर के मन्नू यादव मौजूद था और मदद के बहाने उसने उनसे कार्ड मांगा और सेकंड में कार्ड को बदल दिया। जब वो वापस आए और कुछ दिन के बाद देखा कि सारे रुपये उनके चले गए और उनको मैसेज आया बैंक से कि आपके सारे रुपये खत्म हो गए, तब जाकर इन्होंने ये कम्प्लेंट दिया। पुलिस सीसी कैमरों के जरिए के मन्नू यादव को गिरफ्तार कर ली और उसके पास का सारा सामान को जब्त किया और उसको अदालती तहवील में दे दिया गया है। एसीपी अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। तकीउर रहमान के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अरे नको डिस्टन्स मेंटेन करो, मास्क दिशे झाड़ दोनों मार खेलो एटीएम कार्ड का एक विष्णु बोल के जो मैलर्टोपल्ली में रहता वो जनरली हर एक के पास बैंक अकाउंट रहता, एटीएम कार्ड भी रहता, तो एटीएम नंबर भी रहता। वो एटीएम कार्ड लेके अपन जो भी जरूरत है तो एक दिन हफ्ते में एक बार दो बार एटीएम का एटीएम की जाके अपन पैसे ड्रा करते रहते। तो 25 तारीख के दिन विष्णु बोल के जो आदमी है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो एटीएम आंध्रा बैंक एटीएम को गए 25 तारीख के दिन दोपहर में पैसे ड्रा करने गए। शायद वो टेक्निकल डिफिकल्टी कुछ हुआ, कुछ नंबर उन्होंने बराबर फीट नहीं करे तो न पैसे बाहर नहीं आ रहे। तो बाजू कुमार यादव बोल के अक्यूज है, उन्हें भी वहीं था तो देखा कि अनपढ़ ये था, इसको रीड बराबर फीट नंबर फीट करना नहीं आ रहा, ड्रा करना बोल के देख लिया, मैं असिस्ट कर तुम बोल के ड्रा करा देखे 5,000 रुपये, उसका एटीएम देखे इसको दे दिया, उनका एटीएम ले लिया, देखे 5,000 रुपये दे दिया उसको, उन्होंने कुछ पैसे आ गए मेरे को बोल के उन्होंने वहां से चले गए। वो जाने के बाद फिर वही यूज कर लेके वही एटीएम का नंबर पिन नंबर भी है उसमें, वो देख लेके उन्होंने पैसे ड्रा करते शुरू चले गया और दुकानों को चले गया, कपड़े खरीदा, गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा और कपड़े खरीदा, एक टेलीविजन भी खरीदा, ऐसा जाते जाते पूरा पैसा एक ही दिन 25 साल से शुरू हो गया। तो हमारे कंप्लेंट आए तक 3,70,000 रुपये कैश भी ड्रा हो गया और आइटम्स भी चले गए, शॉपिंग भी हो गया कार्ड के हिसाब से। तो कंप्लेंट आया हमारे पास, तो इंस्पेक्टर नसमा साहब कंप्लेंट ले लिए, एक चीटिंग केस रजिस्टर करे और हमारे क्राइम सब इंस्पेक्टर कुमार साहब को इन्वेस्टिगेशन दिए, ये टीम उनको ले लेके एटीएम सेंटर चेक करे, वो कहाँ कहाँ पर बैंक से स्टेटमेंट ले लिए, कहाँ कहाँ से परचेजेस हुआ, कहाँ कहाँ से पैसे विड्रा करे, वो पूरा बैंक वालों से डाटा भी कलेक्ट करे, जो जो दुकान में परचेज हुआ दुकान को गए वहाँ फुटेज भी चेक करे, तो वो मुजरिम का उसमें फोटो आ गया, क्लू मिल गया उसमें। मेट्रो के पास भी गए, वहाँ टेलीविजन भी खरीदे वो भी देखे, तो थोड़ा क्लू आ गया उसमें, क्लू आके वो ट्रैक करते हुए मुद्दे अक्यूज को पकड़ लिए। उसके पास से कैश जितना भी बैच ड्रा कर से बचा हुआ है 2,10,000 रुपये कैश रिजर्व करे और जो जो सामान जो उन्हें परचेज करा ये एटीएम कार्ड से तो वो भी पूरा रिकवर करे, टोटल 3,70,000 का वर्थ गया, तो पूरा पैसे भी रिकवर करे और कैश भी रिकवर करे, कपड़े भी रिकवर करे, आइटम जो है वो भी रिकवर करे और अक्यूज को हम रिमांड भी भिजा रहे। हम और भी इन्वेस्टिगेट करने वाले क्या उन्हें, ये तो ये पहली बार सर सर का नहीं दिख रहा, तो प्रीवियस इसके बराबर रहेगा, इतना परफेक्शन से करा तो समझते हैं पक्का पुराना इन्वॉल्वमेंट या पुराने केसेस पक्का रहेगा इसमें। तो हम फर्दर पुलिस कस्टडी लेके इसका थोड़ा डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये केस करे नए इंस्पेक्टर साहब, नए नरसिम्हा साहब, नए सर्कल साहब है मैलर्टोपल्ली के, सत्या साहब के पास चार्ज लिए आए तो नेगेटिव केस हुआ, तो हमारे क्राइम टीम को हैंड ओवर करके अच्छा इन्वेस्टिगेट करके केस को 3 दिन के अंदर मुजरिम को हैंड पे करके ट्रैक करे, ट्रैक करे जो मुजरिम भाग रहा था पकड़ लिए, कैश सीज करे, कपड़े सीज करे और आइटम हम सीज करे।
तो जो अच्छा इन्वेस्टिगेशन करे, एक कुमार साहब हमारे इससे क्राइम मायलाडेपल्ली को रिवार्ड ले रोल दे बोल के रिवार्ड कैश रिवार्ड दे बोल के हम कमिश्नर साहब को उनको रिक्वेजिशन भी जा रहे हैं आज, और मुजरिम को कोर्ट में पेश करके फर्दर कस्टडी पुलिस कस्टडी लेकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। पब्लिक से गुजारिश ये है, पब्लिक का हमारा इन्फॉर्मेशन ये है कि ए टी एम कार्ड के ऊपर नंबर नहीं लिखना कभी भी, तो ये आपने फोन पे लगा लेना है ना, तो कुछ डेयरी में लिखे जेब में लगा लेना, एटीएम कार्ड पे कभी नहीं लिखना। एक बार एटीएम अपन भी गए तो जितना पढ़ा लगा भी रहो तो टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा तो पैसे नहीं निकलते, तो वो जाके अपन अपने बाजू लाइन रहता एटीएम के पास, अपने बाजू लगा रहते मैं निकाल के दे तुम बोल के बोलते, तो ऐसा कभी नहीं देना किसको, तुमको नहीं निकला सीधा चले आना, अपना एटीएम कार्ड दूसरे को कभी नहीं देना बाजू वाले को, ये बाजू दिए से उन्हें निकाल के दे तुम बोला, उन्हें पैसे 5,000 दे दिया एक्सचेंज कर लिया एटीएम कार्ड को, ये पूरा ऑफेंस हो गया। नहीं मिलता तो पूरे 4,00,000 रुपए कैश था अकाउंट में वो पूरे जाते थे इसमें, तो प्रिवेंट करने के लिए ना अपना एटीएम कार्ड नंबर ना किसी को नहीं देना, बैंक अकाउंट नंबर किसी को नहीं देना, अपना पिन कोड नंबर किसी को नहीं देना, ये अपनी प्रिकॉशन अपन लेना सो दैट अपन ऑफेंसेस को अपन रोक सकते हैं। पब्लिक से गुजारिश ये है कि अपना एटीएम नंबर किसी को नहीं देना, फोन में पूछते रहते तब आपका लैटरी आपका इनकम टैक्स अमाउंट रिटर्न करना बोल के अकाउंट नंबर पूछते और पिन नंबर आप पूछते, तो अपन कभी नहीं देना नंबर सभी सीक्रेट नंबर किसी को नहीं देना, अपन सीक्रेट अपन या फोन में स्वीट कर लेना या नहीं तो डेयरी में लिख के लगा लेना। ये कोरोना का पीरियड है तो और एक गुजारिश ये है तो सोशल डिस्टेंसिंग जो वैसे मेंटेन किया 2-3 महीने तक यही चलना, इसको दवा नहीं निकला अभी तो इसका एक ही इलाज है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, पर्सनल डिस्टेंस मेंटेन करना, आदमी को आदमी नहीं लगना, जैसा अपन लग रहे से नहीं लगना, ये थोड़ा दूर लगे तो थोड़ा प्रिवेंट कर सकते अपन, कोरोना को अपन भगा सकते। सर ये क्राइम करे सर का नाम क्या है सर? वो सब ये कुमार यादव बोल के अपना मन्नू यादव है हमारे कुमार साहब बोल के सही क्राइम से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मन्नू यादव है, वो महबूबनगर का रहने वाला महबूबनगर नेटिव है, यही मायलाडे पल्ली में रह रहा, पहले ढूंढते रहे थे जरा अनपढ़ लोग कौन है जरा वो थोड़ा होशियार कौन है ऐसे लोग ढूंढते रहे थे, टैप करते रहे थे, हम समझते या फिर पहला ऑफिस नहीं है कुछ पुराना ऑफिस पक्का होगा, तो फर्दर का फील्ड लेके फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच, इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये केस करे नए इंस्पेक्टर साहब, नए नरसिम्हा साहब, नए सर्कल साहब है मायलाडे पल्ली के, सत्या साहब के पास चार्ज लिए आए तो नेगेटिव केस हुआ तो हमारे क्राइम टीम को हैंड ओवर करके अच्छा इन्वेस्टिगेट करके केस को 3 दिन के अंदर मुजरिम को हैंड करके टैग करे, टैग करे जो मुजरिम भाग रहा था पकड़ लिए, कैश सीज करे, कपड़े सीज करे और आइटम भी सीज करे, तो जो अच्छा इन्वेस्टिगेशन करे, एक कुमार साहब हमारे इससे क्राइम मायलाडे पल्ली को रिवार्ड ले रोल दे बोल के रिवार्ड कैश रिवार्ड दे बोल के हम कमिश्नर साहब को उनको रिक्वेजिशन भी जा रहे हैं आज, और मुजरिम को कोर्ट में पेश करके फर्दर कस्टडी पुलिस कस्टडी लेकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। पब्लिक से गुजारिश ये है, पब्लिक का हमारा इन्फॉर्मेशन ये है कि ए टी एम कार्ड के ऊपर नंबर नहीं लिखना कभी भी, तो ये आपने फोन पे लगा लेना है ना, तो कुछ डेयरी में लिखे जेब में लगा लेना, एटीएम कार्ड पे कभी नहीं लिखना। एक बार एटीएम अपन भी गए तो जितना पढ़ा लगा भी रहो तो टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा तो पैसे नहीं निकलते, तो वो जाके अपन अपने बाजू लाइन रहता एटीएम के पास, अपने बाजू लगा रहते मैं निकाल के दे तुम बोल के बोलते, तो ऐसा कभी नहीं देना किसको, तुमको नहीं निकला सीधा चले आना, अपना एटीएम कार्ड दूसरे को कभी नहीं देना बाजू वाले को, ये बाजू दिए से उन्हें निकाल के दे तुम बोला, उन्हें पैसे 5,000 दे दिया एक्सचेंज कर लिया एटीएम कार्ड को, ये पूरा ऑफेंस हो गया। नहीं मिलता तो पूरे 4,00,000 रुपए कैश था अकाउंट में वो पूरे जाते थे इसमें, तो प्रिवेंट करने के लिए ना अपन एटीएम कार्ड नंबर ना किसी को नहीं देना, बैंक अकाउंट नंबर किसी को नहीं देना, अपना पिन कोड नंबर किसी को नहीं देना, ये अपनी प्रिकॉशन अपन लेना सो दैट अपन ऑफेंसेस को अपन रोक सकते हैं। पब्लिक से गुजारिश ये है कि अपना एटीएम नंबर किसी को नहीं देना, फोन में पूछते रहते तब आपका लैटरी आपका इनकम टैक्स अमाउंट रिटर्न करना बोल के अकाउंट नंबर पूछते और पिन नंबर आप पूछते, तो अपन कभी नहीं देना नंबर सभी सीक्रेट नंबर किसी को नहीं देना, अपन सीक्रेट अपन या फोन में स्वीट कर लेना या नहीं तो डेयरी में लिख के लगा लेना। ये कोरोना का पीरियड है तो और एक गुजारिश ये है सर, सोशल डिस्टेंसिंग जो वैसे मेंटेन किया 2-3 महीने तक यही चलना, इसको दवा नहीं निकला अभी तो इसका एक ही इलाज है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, पर्सनल डिस्टेंस मेंटेन करना, आदमी को आदमी नहीं लगना, जैसा अपन लग रहे से नहीं लगना, ये थोड़ा दूर लगे तो थोड़ा प्रिवेंट कर सकते अपन, कोरोना को अपन भगा सकते। सर ये क्राइम करे सर का नाम क्या है सर? वो सब ये कुमार यादव बोल के अपना मन्नू यादव है हमारे कुमार साहब बोल के सही क्राइम से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मन्नू यादव है,
वो महबूब नगर का रहने वाला महबूब नगर नेटिव है, यही मायलाजयपली में रह रहा। पहला दूर से रहते जरा अनपढ़ लोग कौन है, जरा वो थोड़ा होशियार कौन है, वैसे लोग दूर से रहते टैप करते रहते। हम समझते कि अफिस पहला अफिस नहीं है, कुछ पुराना अफिस पक्का होगा, तो फर्दर का फिर लेके फिर विजिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट पीपल, ऑल अंडर वन रूफ, अंडर ट्री ऑफ नॉलेज। This is Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. I'm Partha Sardi, principal Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.